दिन मैं तुम्हारी जिंदगी में लाऊंगी मैं। तुम्हें समझने और सुधरने का मौका मिला और तुम फिर भी नहीं सुधरी, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि करण से शादी करने के लिए मैं जन्मों जन्मों तक पछताऊंगी नहीं। और इस जन्म में तो क्या, तुम अगले 7 जन्मों तक मुझे करण से दूर नहीं कर पाओगी। मैं नहीं कर सकती ना मूव ऑन। मायरा, मायरा, मेरी तरफ देखो, जो मॉम कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो घर चली जाओ, आई नो अभी इस वक्त तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा है, लेकिन जब टाइम बीतेगा ना, थोड़ा वक्त बीत जाएगा, तुम रियलाइज करो कि जिंदगी इतनी छोटी है, मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है। और क्या पता करोगी मुझसे बेहतर, विच इज इम्पॉसिबल दो, लेकिन क्या पता मुझसे भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। मैं जानती हूं आज मैंने जो किया सही किया, आज अगर मैं ये कदम नहीं उठाती तो कल मेरे घर में जो तूफान आता वो किसी के संभलने से नहीं संभलता। पर आज ये बात किसी को समझा नहीं पाऊंगी और ना ही किसी को मेरी बात समझ में आएगी। आप लोग सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मायरा घर से चली गई है। मायरा घर छोड़ के चली गई? हाँ, चली गई। अरे 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 क्या कर रहे हो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी, आई एम सॉरी। मायरा सच में घर छोड़ के चली गई। यार दी, आपने बिल्कुल सही कहा था, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा आपने जो कहा। वैसे ये अनहोनी हुई कैसे? हाँ तो ये सब कुछ माँ की वजह से ही तो हुआ है। बिल्कुल, तुम मुझसे मजाक कर रही है क्या? तुम लोगों को लगता होगा हैंडसम, जो टीवी वीवी पे देखते हो ना वहां पर हैंडसम लगता होगा, मैं तो सामने से देखती हूँ, कख हैंडसम नहीं है। प्रिंस चार्मिंग, अरे प्रिंस चार्मिंग नहीं, प्रिंस हार्मिंग है, हार्मिंग। अरे 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 मेरी फ्रेंड, एक्चुअली दिमाग खराब हो गया इसका, आंखें भी खराब हो गई हैं इसकी, ये एक्चुअली इसके दिल में फीलिंग्स कहां से होंगी, इसके सीने में दिल ही नहीं है। एक्चुअली दिल तो मेरे सीने में, और कितनी फीलिंग्स हैं मेरे सारे फैंस के लिए, हजारों फैंस के लिए, कितनी लड़कियां मेरी फैंस, उन सब के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, इसके दिल। बस तुम्हें इस रूम का एक सीक्रेट बताऊं, ये डेली मेरे करीब आने की कोशिश करती है लेकिन मैं इसे आने नहीं देता। कि मैं भूल गई हूं कि तुमने तुम्हारे भाई और माहिरा के साथ मिलकर प्रीता को किडनैप करने की कोशिश की और उससे शादी करने की कोशिश की। सीता हरण करने चले थे लेकिन रावण मरण हो गया, तुम हार गए पृथ्वी, लेकिन ये हारे हुए खिलाड़ी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारी प्रीता से शादी नहीं हुई, नहीं तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाती, न घर के रहते और ना घाट के। प्रीता से मैं सख्त नफरत करती हूँ, लेकिन आज वो मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो किया, यू डिजर्व इट। वो अपने पति के पास वापस चली गई है, करण लूथरा के पास वापस चली गई है। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गेम खेल ही नहीं सकता बेबी, तुम चाहे मुझे प्यार से बोलो या थप्पड़ मार के, मैं तुम्हारी हर बात समझ जाता हूँ। ये वाली भी समझ गया? तो ये भी याद रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो। Of course, baby. Of course. वैसे तुम एक बात बताना भूल गई, तुम्हारी प्रीता जी आई थी मेरे पास, पूछ रही थी कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। तुमने उसे बता दिया कि थोड़े टाइम के लिए हाय हेलो था, टाइम पास था, दैट्स इट। मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हारा मेरा आज भी रिश्ता है। तो तुमने प्रीता जी से कहा और वो मान गए? हमारे महाबदले के लिए तुम भूल गई बेबी? हमारा मेन प्लान,
हमारा मेन प्लान क्या था? उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को बर्बाद करना। और अब जब प्रीता जी और वो गिल्ली डंडा प्लेयर एक हो गए तो हमारे प्लान को खतरा है। हमारा मेन प्लान, महाप्लान, महाबदला फुल टू फ्लॉप हो सकता है। किसकी वजह से? प्रीता अरोरा की वजह से। इस वक्त अगर हमारे प्लान में कोई रुकावट ला सकता है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रीता अरोरा। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है? ऑफ कोर्स पता है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ये बताने के लिए कि जो हमारा हथियार था माहिरा, अब वो हमारे पास नहीं है। भारत, लूथरा हाउस के अंदर महाभारत। अब वक्त आ गया है घर की बड़ी बहू बनने का। अब बनो तुम घर की बड़ी बहू, दिखाओ सबको कि बड़ी बहू कैसी होती है। प्रीता अरोरा को चारों तरफ से घेर लो बेबी। वो कहते हैं ना, घर की भेदी लंका ढाए, लूथरा हाउस को खोखला कर दो। तुम खोखला कर दो घर को? क्या, मैं तो हर एक इंसान को खोखला कर दूंगी, लूथराज को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दूंगी कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, इसलिए कोई एहसास ही नहीं है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि कमरे में कितनी ठंड हो रही है, क्योंकि ये तो कुछ फील ही नहीं कर सकता। एक बात बताओ, तुम इतने टेढ़े क्यों हो? सब पता है मुझे, तुम्हें कोई नींद भी नहीं आ रही है। तुम ये जो इतनी जोर जोर से खराटे ले रहे हो, ये भी मुझे परेशान करने के लिए ले रहे हो। ठीक बोला मैंने तुम्हें, बेदिल लूथरा। क्या कहा? बेदिल कहा, बेदिल, जिसके सीने में दिल नहीं होता। क्योंकि अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो मुझे इसे कांपते हुए देखकर तुम ऐसी बात नहीं कर देते। नींद में उठकर चलने लगती हूँ, हाँ, और कहीं से भी ना चाकू ढूंढ लेती हूँ, और जो भी मुझे सामने दिखता है उसमें खोप देती हूँ। तो इसलिए मेरी नींद मत डिस्टर्ब करना, तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। डिस्टर्ब तो अब तुम होगी, क्योंकि इस कमरे में चाकू ही नहीं है। गुड नाइट। काम करो, किसी के साथ कोई अफेयर रखने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए तुम? दोबारा से ऐसा कुछ भी हुआ ना, सृष्टि के जरा भी क्लोज आए तुम, तो मैं खुद तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें गांव भेज दूंगी, समझ गए? फोन क्यों काट दिया? माँ, वो मैं तेरी पानी की बोतल मेरे कमरे में ही छूट गई थी, मैंने सोचा मैं ये बोतल दे देती हूँ, तू हमेशा इसी बोतल से पानी पीती है ना, मैंने सोचा बोतल पास में नहीं होगी तो सारी रात ऐसे ही प्यासी सोती रहेगी। थैंक यू माँ। सो जा, बहुत रात हो गई। हाँ सो रही हूँ, चल सुबह मिलते हैं। हाँ वो तेरे माँ ने सुना तो नहीं मैंने जो बोला? नहीं सुना होगा। अपनी बहू नहीं माना है, वहां अपनी जगह बनाने के लिए उसे एक नहीं पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। अक्सर ऐसी लड़ाइयों में कम से कम पति का तो साथ होता है ना, पर मेरी प्रीता के साथ तो उसके पति का साथ भी नहीं है। करण उसके साथ नहीं है, वो अकेली पड़ गई। इतने भरे पूरे परिवार में देखा जाए तो अकेली ही है वो। हे माता रानी, मेरी प्रीता को शक्ति देना, शक्ति देना कि वो अपने हक के लिए लड़े और उसे उसका हक मिल जाए।
व्यूज रिपीट करें लूथरा, ऐसे क्या देख रहे ऐसे? तुझे ये प्रीटी लग रही किस एंगल से? हाँ देखो तो मैडम को कैसे ठंड से सिकुड़ रही है, अब इसकी जगह इसके दांत बच रहे, लगता है पूरी ठंडी पड़ गई। बट नेवर माइंड, ठंड का इलाज तो कर दिया मैंने, जब गर्मी आ जाएगी तो रजाई अपने आप निकाल के फेंक देगी। ये कॉफी वो क्या है ना, गिरीश को बाहर जाना है, मार्केट जाना है, आज मुंह दिखाई की रस्म है, तो बहुत सारे गेस्ट आने, उसको बहुत सारा काम है। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं ही आपके लिए कॉफी बना दी, पहले मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं अपनी कॉफी पीकर फिर आपके लिए बना दी। आप तुम कितना बोलती हो, 2 मिनट रुको, एक ही सांस में इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें कर रहे, 2 मिनट रुको, मैं आके तो खुलने दो। आप जवाब ही नहीं दे रहे तो मैं क्वेश्चन तो पूछती जाऊंगी। लेकिन मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है तो मैं बोलूंगा क्या? अगर चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा ना, इतने सारे लोग हैं घर में, मैं बोल दूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा बनाने के लिए, आता है मुझे बनाना। और तुम कहाँ थी रात भर? तुम यहाँ पर नहीं थी, कहाँ थी? आज मेरी मुंह दिखाई है और मुझे इतना लेट हो गया। ये करण भी ना हमेशा मुझे लेट करा देता है, सामने होता है तो अपनी बातों में अटका देता है, सामने नहीं होता है तो अपने ख्यालों में अटका देता है, लेकिन दोनों तरफ से मुझे अटकाता ही अटकाता जरूर है। करण बालकनी में सो रहा है, क्यों? किस्मत से हमें। शैलेन, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ ना उसका कुछ रीजन होगा। मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी भी चीज के लिए रोक लगाई है? किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी, किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया और ना कभी बोलूंगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी के ऊपर भी कोई बंदिश लगाता, तुम्हें मालूम होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मायरा को करण नहीं मिला उसने हमारी फैमिली की इतनी बेइज्जती करी, सब लोग सही रिलेटिव थे, सब लोग थे ना, ऐसे करता है कोई क्या? शैलेन बात वो भी नहीं है, मायरा जो कर रही है वो तो एक अलग बात है, जो वो सोच रही है वो भी गलत है, वो खुद को भी प्रॉब्लम में डालेगी, हमारे परिवार को भी प्रॉब्लम में डालेगी, करण को भी प्रॉब्लम में डालेगी और तुम्हें भी प्रॉब्लम में डालेगी। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए वॉर्न कर रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है, और सॉलिड वजह है, उसका तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दिन है क्या प्रीता, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, आजकल तू भूलने भी लगी है। क्या कर रहे हो? जो तुम नहीं कर पा रही हो, डोरी बांध रहा, हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी। नो थैंक यू, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। ओह रियली? हेल्प की जरूरत नहीं है? हेल्प ले लो मेरी, वरना तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़ के ना चली जाएगी। हाँ क्या? क्या मतलब? तुम्हारी आत्मा पे आया, तुम सुबह से उसे सता रही हो ना, तो तुम्हें छोड़ के ना चली जाए, इसलिए प्यार आ गया मुझे, इसलिए हेल्प करने आ गया, तुम्हारी आत्मा की हेल्प करो, तुम्हारी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर हेल्प करो तो करो ना, इतना पटर पटर बोल क्यों रहे हो, मुंह बंद करके भी हेल्प कर सकते हो। एहसास हुआ कि हाँ मैं वाकई इस घर में बहू बनकर आ गई हूँ। थैंक यू प्रीता, मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार के भलाई के लिए किया, जो गलत हुआ था उसे तो सुधारना ही था ना, जो कुछ भी किया सही के लिए किया। ये और बात है कि मुझे ये कदम उठाने में थोड़ी सी देर हो गई। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम किचन में जाओ और कुछ मीठा बनाओ, आज के दिन भगवान जी को जो भोग चढ़ता है वो घर की नई बहू बनाती है, रस्म है। हुँ? जी जाओ। जितना पसंद करती थी मेरा व्यवहार उसके साथ वैसा ही हो, लेकिन संजोग की बात है जब भी मैंने विश्वास करने की कोशिश की उसने फिर से मेरा विश्वास तोड़ दिया। जितनी बार मेरा विश्वास टूटा उतनी बार मेरा दिल भी टूटा।
जाने दीजिए इन सब बातों को। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। आज मेरी डोरी बांधते हुए भी तुमने मुझे छुआ था। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड वाइफ के बीच में टच वच नहीं होता है, होता है, लेकिन दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। और मेरी रजामंदी के बिना मुझे हाथ मत लगाया करो, समझे? धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए। ऐसे टच किया था मैंने? छूट जाए कैसे? छोड़ मैंने प्यार रहे दिल गए पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। एक बात और गलतफहमी, जब तक तुम्हारी रजामंदी नहीं होगी ना, मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देख, मेरा मतलब है छूऊंगा। Am I clear? बना लूं, तुम्हें वो चीज कैसे पसंद आएगी? अब ये मैं हलवा बना रही हूँ, कोई माहिरा हलवा नहीं बना रही। माहिरा को तुमने घर से निकाल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सात पे आसमान पे नाचो। तुम मेरे लिए छोटी थी और छोटी ही रहोगी, छोटी बहू। मैं इस घर की बड़ी बहू, सब लोग मेरा विश्वास करते हैं, इज्जत करते हैं। तुम्हारी जैसी नहीं जबरदस्ती की बहू। हाँ हूँ मैं जबरदस्ती की बहू, जबरदस्ती इस घर में आई, और उसकी वजह पता क्या है? तुम्हारे धोखे जो तुम इस घर के लोगों को दे रही हो, तुम्हारी साजिशें जो तुम इस घर के लोगों के खिलाफ कर रही हो, तुम्हारी ये सीक्रेट प्रेगनेंसी। फोन करके बुलाया तक नहीं कि मेरे कर्म की शादी है, आ जा। बुलाती तो मैं मानती कि इसे मुझसे प्यार है, इसे मुझसे नहीं खानदानी मुंद्री से प्यार है। फोन तो किया था ना मैंने? हाँ, ऐसे जैसे दूसरे मेहमानों को करते हैं कि मेरे बेटे की शादी है, हाँ जरूर आना। तू भी कुछ भी बोल रही है, मतलब सोच समझ के तो बोला कर। अरे कान छोड़ मेरे, नहीं तो मैंने ना तेरे कान पकड़ के ऐसे खींच रहे है ना कि ऊ कसी रह जाएगी। कितने दिनों बाद मैंने राखी को खुश देखा, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पुरानी वाली राखी वापस आ गई। और ये खुशियाँ लाई हूँ मैं। बिल्कुल। तू ही लाई है। ओह, निम्मी को देख के लग रहा है मम्मी जी ने निम्मी को सब कुछ बता दिया। तो फिर तो निम्मी को पता ही होगा कि प्रीता इस घर में एक अनचाही बहू है जो करण को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, ये तेरा घर है, जा मिल ले। हाँ वैसे तो मैं बड़ी बहू शैलिन से भी नहीं मिली, लेकिन उसकी शादी को तो कुछ महीने हो गए हैं, तो पहले मिल लेती हूँ छोटी बहू प्रीता से। किधर है प्रीता? किचन में मेरे लिए प्रोटीन शेक बना रही है। ओए मेरे चंदा, तू भी चलना मेरे साथ, मैं भी तो देखूं तुम दोनों को सामने सामने कि वो तेरे सामने कैसी दिखती है, तुम दोनों की जोड़ी कितनी जमती है। चल चल पुत्र, ले चल, जा चल। उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो उसे खुश रखे, एक ऐसा परिवार जो उसकी इज्जत करे, उसका मान करे, और उसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी भी दूर ना हो। माँ? अरे आप, हाँ तेरी शादी की बात ही कर रही। अरे लेकिन मेरी उम्र क्या है माँ, अब इससे शादी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आप चल माँ। जो लड़का मैं तेरे लिए पसंद करूंगी तो उससे शादी नहीं करेगी क्या? करूंगी ना माँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत अच्छी लगी ये प्यारा प्यारा मुखड़ा और दोनों चांद का टुकड़ा, मेरे पास कुछ है देने के लिए, हीरो का हार, लेकिन हार एक और बहुएं दो तो किसी एक को ही दूंगी, वो जो मेरे दिल की रानी है, जो मेरी चहेती है। लेकिन क्या है ना, अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरी चहेती है कौन। पहले मेरे दिल को ये पता कर लेने दो, तब तक मेरे आशीर्वाद से ही काम चला लो। राखी
मैंने तेरे दोनों बहू बेटे को सामने सामने से देख लिया और तेरा बेटा तेरी बहू से हजार गुना सोना है, हैंडसम है, चार्मिंग है, और मैं तो ये सब बोलूंगी, ये मेरा बच्चा है। I'm the best. जान से ही तो पहचान बनती है, तो अगर मेरा ये तोहफा चाहिए हो तो जान लड़ा के पहचान बना लेना। और प्रीता तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे करण जैसा लड़का मिल गया। लाखों में नहीं करोड़ों में एक है ये। एक सेकंड, मैं अभी आया। हेलो। अच्छा प्रीता, फटाफट तैयार हो जा, मेहमान आते होंगे। हाँ जी, ये बंद कर देती हूँ। राखी, तू कह रही थी प्रीता ने शीरा बनाया है। हाँ। गिरीश को बोल देती हूँ सबको दे दे। ठीक, मैं आती हूँ। शर्लिन जी, बेटा तुम भी तैयार हो जाओ, मेहमान बस आते ही होंगे। जी, जबरदस्त है, तू तो माता रानी का शुक्र अदा कर, जो चाहे धोखे से हुई चाहे घूंघट की आड़ में हुई, लेकिन शादी तेरे करण की बिल्कुल सही लड़की से हुई। वो कहते हैं ना, जिसके साथ जिसकी जोड़ी लिखी हुई होती है उसी के साथ जुड़ती है, इसी को तो कहते हैं कुंडली भाग्य। अगेन, प्रीता की तारीफ सुन के मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, आज ऐसा पहली पहली बार हो रहा है। पहली बार कोई प्रीता को मेरे टक्कर का बता रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? बिल्कुल सच का, चल चल के बातें करते हैं। प्रीता को तुम में से चले जाओ ना, तुम दोनों इकट्ठे जाओ। माँ लिसन, आपको ऐसी हालत में छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे, ओके? सृष्टि, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों जा क्यों नहीं रहे हो? जाओ ना, वो इंतजार कर रही होगी बेटा। आंटी पुत्र, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, एक जने को तो जाना चाहिए। मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ का ख्याल रख लूंगी, तो चले जाओ। बहुत सही, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, ठीक है, मैं अभी क्या दी को वीडियो कॉल लगा। अरे प्रीता को फोन मत लगाना, देखो बेचारी परेशान हो जाएगी, आज उसका फंक्शन भी है, तो क्या कर रही है ना सृष्टि? सृष्टि मत लगाना। आप सृष्टि का वीडियो कॉल? हाँ सृष्टा, क्या हुआ? हाय दी। अरे आप लोग सब तैयार नहीं हो? माँ प्लीज अपना ध्यान रखिए। देख मैं उससे कह रही हूँ कि तू चली जा और तुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए इतना बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों को अपनी जिद करनी है, तुझे चाहिए कि मैं सारे वो चेकअप कराऊं और तुझे चाहिए कि तू यही रहेगी मेरे साथ, तो फिर जो मर्जी करना है करो, मुझे नहीं पता। दी, मुझे आने का बहुत मन है, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अच्छा सुन, हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन तेरा फंक्शन है ना आज, खूब अच्छे से फंक्शन हो जाए तो फिर फोन करके बताना सब कैसा रहा। चल, बहुत बहुत तुझे मुबारक हो, ये तो जाएगी नहीं। बाय बाय मित्र, जीत दे। कैसे करोगे ये सब? वो ऐसे आप में ये सब करने की हिम्मत है? ऑफ कोर्स है, जब तुझ में हिम्मत है कि तू अपनी माँ से इस तरह से बात कर सके, उनसे अपना हक मांग सके, सरला से मुझे कंपेयर कर सके, तो डेफिनेटली मुझ में भी हिम्मत है। रिलैक्स, और अच्छा जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जा, मेहमान आके हूँ। मेरी और निम्मी की नहीं बनती, लेकिन पुत्र परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन ये सब भूल जा। मॉम एक सेकंड, ये औरत मेरा परिवार नहीं है, और दूसरी बात आप जानती हैं ना प्रॉब्लम किस वजह से हुई थी? भाई और भाभी की शादी में कितना ड्रामा किया था इस औरत ने, और आप जानती हैं ना मॉम, मेरी फैमिली को कोई कुछ भी कह दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पता है मुझे, लेकिन बच्चों जैसी बातें मत कर। राखी की शादी को कितने दिन हो गए, उसके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, अब प्लीज भूल जा सब कुछ। नहीं मॉम, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। बात करने के लिए इनके पीछे पीछे भाग के बात करना पड़ता है। मैं लोगों को पीछे भगाने वालों में से हूँ, अब लगता है मुझे भी वही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब मिलते हैं एक से भले दो। चलिए
आप दोनों बातें कीजिए, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और रस्म भी तो करनी है, तो मैं प्रीता को लेके आती हूँ। हाँ हाँ जाइए, फेवरेट वाली बहू को लेके आई है। ले आती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निमी जी, अच्छी हूँ, लेकिन आपको देख के और अच्छी हो गई। आप कैसे हैं? मैं भी आपको देख के कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी हो गई। That's so sweet. नाई सारी। थैंक यू। आप क्या देख के मुस्कुरा रहे हो? निमी मासी और करीना बुआ की 36 का आंकड़ा है इन दोनों का, पटरी नहीं खाती इन दोनों। देखे ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं जन्मों के बिछड़े हों। देख तुझसे उनकी मुस्कुराहट नहीं बंद हो रही, कमाल है ना। मतलब कमाल। करण भाई आ गए। पहले तू आता था मेरे रूम में, मुझे उठाता था प्रैक्टिस के लिए कि मैं टाइम पे चला जाऊं, ओके? पहले तू मेरी केयर करता था, अब तू कोई केयर शेयर नहीं करता। पहले तू खुद आके प्रैक्टिस के लिए मुझे उठाता था, अब क्यों नहीं उठाता? ये देख शादी कल हुई और कह रहा कि कब तू पहले आता था। अरे मेरे भाई, अब तेरी शादी हो गई है, अब तेरे रूम में आऊंगा बिना नॉक किए, जैसे पहले आता तो अच्छा लगेगा। मेरा तो देख भाई, फिर मेरे भाई अब वो तुझे उठाएंगे ना सुबह, कितना अच्छा लगेगा, आराम से प्यार से उठाएंगे। तू प्रैक्टिस पे जाएगा, फिर वापस आएगा, तेरे को जूस का ग्लास मिलेगा, कितनी केयर होगी। क्या बात है, अब मेरी केयर करने की अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गई ना। सही बोल, बस तेरी लाइफ सेटल कर देंगी। लाइफ सेटल कर देंगी, लाइफ सेटल कर दी अच्छे से। क्या मुमकिन, वो देख नाम लिया पिताजी आ गए। क्या भाभी आई? रानू बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है मामी जी, करण। लेकिन मेरी मुंह दिखाई तो हो चुकी है ना? ओए तेरी नहीं, प्रीता की मुंह दिखाई करनी है, तुझे इसका मुंह देखना है। लेकिन इसका चेहरा तो मैं कब का देख चुका हूँ। करण पुत्र, मैं जानती हूँ तू प्रीता को देख चुका है, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार, रस्म के अनुसार दुल्हन की मुंह दिखाई होती है ना। आजा, पहले तू उसका चेहरा देख। चलो भाई, जा 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 जा। ओके ओके। ये सब अब नहीं होगा, ओके? जितना होना तो हो गया, तुम्हारी पसंद का, अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ओके? तुमने अपने आप को सुना भाई? क्या बोली जा रहे हो? जो कुछ भी तुमने कहा ना, उसमें तुम्हारी गलती थी, मेरी गलती तो यही नहीं। तुम अपनी गलतियों के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो क्यों? और अगर मेरे साथ अच्छा हो भी रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती थोड़ी है। एक्सक्यूज मी, जो कुछ भी हो ना, तुमने मुझसे कहा है, मैंने नहीं किया, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं हुई। ये अंगूठी भी मुन्ने थी, मैंने नहीं सुना ना तुमने भी। जिंदगी में हर दिन सुहाना बनाएगी, और जब तुम्हें चोट लगेगी ना तो वही ठीक करने वाली है, पता है ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। अरे भाई जो भी है, करण पुत्र वो तेरी जोरू ही है, अपनी ही चलाना, जोरू का गुलाम मत बन जाना। निम्मी ये तू क्या सिखा रही है करण? सही तो सिखा रही मॉम। अरे बस बस बस, कितना झगड़ा करोगे, अब झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कौन किसका गुलाम बनेगा, कौन किसकी गुलामी करेगा, ये तो अंगूठी के रस्म के बाद ही पता चलेगा। करण की साइड में आ जा। क्या? आप तो बोल रहे थे कि आपके पास कोई प्लान है, एक एक करके सब प्रीता की तरफ चले गए। आपने मुझे कहा था कि आप उसकी इंसल्ट करवाओगे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते आप मेरे लिए। अरे प्लान तो है ना, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर बुलवाया है, वो एज अ गेस्ट आएंगे, बस तू थोड़ा इंतजार कर, वो लोग आएंगे और फिर तू देखना यहाँ पर क्या तमाशा होगा। तू चिंता मत कर, तुझे जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूँगी, ओके? महाभारत वाली जंग शुरू कर देना, मतलब मुंदरी ढूंढना, ये भी कोई जंग से कम नहीं है। और हाँ, आगे की सारी जंग इसी जंग पे निर्भर है। आगे 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 आगे, अरे यहाँ पर आ जाओ ना जानकी आंटी, आराम से देखेंगे। हाय सैमी। अरे रुक जा मैं। अभी से थैंक यू हाँ, प्रीता जी की ये रस्म लाइव दिखाने के लिए। आई एम जस्ट माँ। सिस्टी वो फॉर्मल वाली रस्म पूरी हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू कर रही हूँ। ओके, 3, 2,
One, get it, go! ये मेरे मतलब का गेम ही नहीं है, मैं ये करण लूथरा साइड नहीं है, मैं करण लूथरा वाले गेम खेलता हूँ। अच्छा तू एक काम कर, तू अपने मतलब का गेम ले, हम तुझे उसमें भी हरा देंगे। तो क्या यहाँ क्रिकेट खेलेगा? गेम खेलेंगे। गिरीश बॉल लेकर आ। यस जा ले यार, तू बॉल ले, लाने पे बॉल ले। गेम मेरा है तो रूल्स भी मेरे होंगे। आप सबको मैं एक बार गेम्स के रूल बता देता हूँ। इस बॉल को बिना छुए यहाँ से वहां तक लेकर जाना है, और जिसकी गलती से ये बॉल नीचे गिरी। खुदा ने बनाया है ना, तभी तो मिलाया जमीन पे है ना। मुझे तो पत्नी। मॉम क्या हुआ? मामा एक डॉक्टर, डॉक्टर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर है? मामा पानी दीजिए, जरा पानी दीजिए, पानी पर। मामा एक सेकंड, डॉक्टर वो मॉम को चक्कर आया है, अचानक से एक बार देखिए ना उनको, पानी मेरे साथ है। देखिए उन्होंने अपनी कलाई काफी गहराई से काट ली है, खून काफी बह चुका है, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। दादी मैं इधर ही था, वो मॉम की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी मुझे। She's normal. एक मेरी बात सुन, कुछ नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मायरा को इस हालत में देख के मॉम की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ी सी सफोकेशन, थोड़ी सी घबराहट शुरू हो गई थी, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। She's normal. अभी हम लोग वहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। ओह गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है, किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। पहले मायरा और अब भाभी। चिंता ना कर, सब ठीक होगा पुत्र, माता रानी सब ठीक करेगी। टेंशन वाला माहौल है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं कहाँ से मायरा तूफान की तरह वापस आ गई, सब गड़बड़ हो गया। मुझे तो लग रहा है कि करण भाई और प्रीता भाभी के सब कुछ बहुत गलत होने वाला है यार, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। सामी मैं क्या बोलूँ, मैं सामी तो तुम इतना स्ट्रेस मत लो, सब 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 ठीक हो जाएगा। तुम ये बताओ कि कौन सा हॉस्पिटल है, मैं अभी के अभी वहाँ आ रही हूँ। ये सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल, ओके, थैंक यू, बाय बाय। माँ नहीं, मामा और जानकी आंटी को नहीं बताऊँगी, पहले से मामा को इतना तेज़ बुखार है, कहीं ये बात सुन के वो और टेंशन में ना।
बाद में बता दूंगी मैं। बहुत से लड़ी उसके खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब, कोई इंसान ऐसे ही एक दिन उठ के अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता। जब तक ना उसे उकसाया जाता है, मजबूर किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि उसे समझ रहा है कि उसे आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, वो मजबूर होके तब अपनी जान लेने की कोशिश करती है। मेरी बेटी के अगेंस्ट में कोई केस करने के बजाय आप उस इंसान को जाके ढूंढिए जिसने उसे उकसाया, उसे मजबूर किया कि वो अपनी जान लेने की कोशिश करे। आप इंस्पेक्टर है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि आपको इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करनी है। उस घर से जाके शुरू कीजिए जहाँ पर मेरी बेटी ने ये काम किया है। तो माहिरा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है, ये तो पूरा का पूरा अलग ही केस है। किसने उकसाया आपकी बेटी को ये जानलेवा कदम उठाने के लिए? इसने मेरी बेटी के साथ उसकी शादी तय हो गई थी, मगनी हो चुकी थी, पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी, पूरी मीडिया सबको पता था, सब जानते थे कि मेरी बेटी की शादी इससे होने वाली है, बट मौके पे करंट बैंक आउट। करण ने मना कर दिया शादी करने से। मेरी बेटी टूट गई, मेरी बेटी का दिल टूट गया, she was shattered, और वहीं से उसका डिप्रेशन शुरू हो गया। और देखिए आज उसने क्या कर लिया। आप समझ रहे ना इंस्पेक्टर कि मेरी बेटी का एक्चुअल गुनहगार कौन है? तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? प्लीज अरेस्ट दिस मैन। फिर तो समझो तुम बच गए, लेकिन अगर लड़की ने कहा कि उसकी माँ ने जो कहा यही सच है कि तुमने शादी के एन मौके पर उसका साथ छोड़ दिया और शादी से पीछे हट गया और ये जानलेवा कदम उसने उस लड़के के वजह से उठाया, यानी कि तुम्हारे वजह से, तब तो हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा और तुम पर केस करेंगे। एक लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। मिस्टर करण लुथरा, जितने छक्के तुमने अपने क्रिकेट करियर में नहीं मारे होंगे ना, उससे कहीं अधिक छक्के तुम्हें इस केस को सुलझाने में छूट जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लड़की का एक स्टेटमेंट ये फैसला करेगा कि तुम्हारी किस्मत में आगे क्या लिखा है। जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। तो करण अरेस्ट हो जाएगा, और अगर मायरा को कुछ हो गया ना, भगवान ना करे, तो भी करण अरेस्ट होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ से करण फंसेगा, मेरी बेटी का करियर, सब कुछ, नाम, स्टेटस सब बर्बाद हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना रिशा? बुआ प्लीज, आप भी उनकी लैंग्वेज बोल रही हैं। एक मिनट करण, आज माहिरा इस हाल में है ना, उसकी वजह भी ये है। भाभी की ये हालत है, वो भी इस लड़की की वजह से। अब मैं मम्मी जी को चेक करके आती हूँ। कि माहिरा खन्ना कौन से रूम में है, प्लीज थोड़ा अर्जेंट है। मैम आप कौन? मैं करण लूथरा की साली हूँ, सिस्टर इन लॉ। एक मिनट, ये देखिए, ये मेरी दी, ये मेरी मम्मा, ये करण लूथरा की वाइफ है, और ये मैं। प्लीज जल्दी बताइए मैम। ओके फाइन, माहिरा खन्ना थर्ड फ्लोर के आईसीयू रूम में। थैंक यू सो मच मैम। अगर माहिरा को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है तो ये लिख कर रमन, करण लूथरा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। हो साहब, तुम्हें बराबर बोलते हो। एक्सक्यूज मी, माहिरा खन्ना का फाइल दिखाई। माँ को एड्रेस पता नहीं है। देख पवन, तू मेरा भाई इसलिए समझा रहा हूं, प्रीता जी के घर के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि वो जो अरोरा औरतें हैं ना, बहुत खतरनाक है। उनमें से किसी ने भी तुझे उनके घर के आसपास देख लिया ना, तो पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस तुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। भाई तो मुझे शूटर शेरनी सृष्टि का पता देंगे नहीं, लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं, ढूंढना तो पड़ेगा, मैं ढूंढ लूंगा। ओके भाई। अरे मत पूछो क्या हुआ, मैं बहुत टेंशन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसे मैं तुम्हें कॉल कर लिया। एक सेकंड, वहां मुंह दिखाई में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? अगर किया है तो मुझे बताओ, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा वहां कर। किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? अरे कहा नहीं, किया। अब क्या किया, ऐसा कौन सा बवाल कर दिया तुमने वहां पर? प्रीता की मुंह दिखाई चल रही थी, सब लोग बहुत खुश थे, करण, प्रीता, घर वाले सब बहुत खुश थे, फिर अचानक से। अचानक क्या बीबी? मायरा आ गई। व्हाट? मायरा लूथरा हाउस फिर से आ गई? और उसे कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं मारी, फुल धमाकेदार एंट्री मारी है। तुम्हें पता है उसने क्या किया? क्या क्या किया? ओके बेबी। नहीं,
यहाँ पे मत आओ प्लीज, मैं पहले ही बहुत हेलो हेलो मैं वहां आऊंगा नहीं आऊंगा ये कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ मैं। अरे उस गिल्ली डंडा प्लेयर की बर्बादी का नजारा, उसकी बर्बादी का पिक्चर अगर मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जब उस गिल्ली डंडा प्लेयर का लटका हुआ चेहरा देखूंगा ना, उसकी बर्बादी का पिक्चर देखूंगा ना, तब मुझे बहुत मजा आएगा। सो लूथरा उस गिल्ली डंडा प्लेयर, आई एम कमिंग। बात को समझ नहीं रही है? मैं आप ऋषभ, उत्तर करीना तुझे समझा रही है तो तू समझ क्यों नहीं? समझ रहा हूं। नहीं तू नहीं समझ रहा, तू समझ नहीं रही। कर रहा है और उसकी बात को काट रहा है। बात तब काटी जाती है जब कोई गलत बोल रहा, लेकिन वो गलत नहीं बोल रही दादी, नहीं बोल रही पुत्र। तू वही गलती कर रहा है जो मैंने पहले की है। हाँ मैं इस घर की बड़ी हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फैसला गलत लिया। करीना की बात आज मैं मान लेती ना तो ये सब कुछ नहीं होता। करण को जेल हो गई ना तो मैं प्रीता अरोरा को छोड़ूंगी नहीं, ये बात तुम अच्छी तरह से याद रखना। करीना वो जो बोल रही है ना, अगर वो सच हो गया तो देखा जाए तो मेरे और पृथ्वी के लिए अच्छा ही है। हमें जो लूथरा से बदला लेना है वो तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। माहिरा योगरी, कैसे बताऊं, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया और आगे भी करती रहोगी। तुम तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद निकली, जिंदा रहोगी तो भी और अगर मरने से बच गई तो भी। परफेक्ट।